गाइस, आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार थोड़ा बहुत हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ कारणवश मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ कारणवश हम लोग ज्यादा अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और अभी तो मुझे बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज रखा है, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या चीज रखा है। तो जो भी कुछ घर में है बस उसी को मिक्स मैच करके हम लोग आज डेकोरेट कर लेंगे। तो बने रहिए, तो देखते हैं कि इसमें पुरानी चीजें क्या क्या रखी हुई है। हम कुछ लड़कियां वैसे रखे रहते हैं दिवाली वाली को डेकोरेट करने के लिए। ओ ये लड़िया कितनी है? 10। देखते हैं, तो इस टाइप की मेरे पास कुछ लड़कियां रखी हुई है, तो इसको भी डेकोरेशन में अच्छा खासा काम आ सकती है मुझे। तो एक तो ये मेरा डन हो चुका है कि इसको मुझे यूज करना है। और एक इधर गेंदे वाली लड़िया जो होती है ये भी है मेरे पास, कई है। देखिए ये वाली लड़िया है, तो ये भी मैं डेकोरेशन में यूज कर लूंगी। और मेरे पास तो बहुत कुछ है, दिख रहा है काम लगता है बन जाएगा। और ये वाला है, तो इसे भी कहीं ना कहीं अच्छा यूज कर सकते हैं। बट क्रिसमस टाइप का कुछ आइटम है, इस टाइप का क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने का है, तो अगर कहीं यूज होगा तो उसको भी लगा दूंगी मैं, अगर नहीं यूज होगा तो नहीं लगाऊंगी। पर मगर मैं एक चीज बताऊँ, मैं सबसे पहले मंदिर साफ करती हूँ ना, तो पहले मैं मंदिर साफ करती हूँ उसके बाद देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये सृष्टि जी क्या कहते हैं, मंदिर साफ कर रही हैं, सारे भगवानों को वापस से नहला धुला करके तब सुंदर सजा हो जाकर इनको लगाएंगे। तो पैकिंग पेपर, ये पैकिंग पेपर है, इसको अंदर डालेंगे, आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि अगर अच्छा लगेगा थोड़ा, मतलब लुक चेंज करने के लिए सोच रहे हैं कि ये गोल्डन टाइप का है तो अंदर लगा दें तो अच्छा, थोड़ा सा मंदिर वाला लुक भी आ जाएगा इससे। गोल्डन आ जाए, पर अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर नहीं लगाएंगे। और ये हमारे मंदिर के सारे भगवान जी हैं, छोटे छोटे सारे भगवान जी हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इधर थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया है, तो मैं आपको दिखाते हैं कि कैसा मैंने डेकोरेट किया है। ठीक, डेकोरेट कर लिया है और अभी मुझे यहाँ पे झालर लगाना है, तो मैंने सोचा झालर के बिना तो सारी लाइटिंग के बिना तो सारी डेकोरेशन बेकार, तो अभी मैं झालर लगा रही हूँ। तो अभी देखते हैं, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे कोई एक रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली पाउडर मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कलर का कलेक्शन नहीं है, तो जो हो पाएगा बस। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम डेकोरेट कर लिए हैं, पर अभी रंगोली मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब आप रंगोली देख सकते हैं कभी कंप्लीट नहीं हुई, आधा तिहाई बनाई हुई हो। और मगर रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब हम लोग बहुत टाइम हो चुका है, इसको सजाने में बहुत टाइम लग गया हम लोगों को। तो अब हम सोच रहे हैं कल, मतलब जन्माष्टमी वाले दिन ही मॉर्निंग में उठ करके जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे और कल कंप्लीट करेंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट दिन कैसा मैं इसको डेकोरेट करती हूँ, कैसे मैं जन्माष्टमी मनाती हूँ। राधे राधे गाइस, सुबह हो गई, मेरा काफी काम हो गया, मैं खाना बना चुकी हूँ और यहाँ पे फिर से डेकोरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। बनाया जाएगा, यही बनाया जाएगा ना। और मैं थोड़ा बहुत अभी और भी सुबह, मतलब थोड़ा बैलून वलून लगा दी हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये तो थोड़ा बहुत लगा दी हूँ। और अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने देखा कि मेरे यहाँ ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको डेकोरेट करने में यूज कर लूँ। ये देखिए कैसे मैं डेकोरेट करती हूँ, देखते हैं। ये एक मेरे घर में एक गमला रखा हुआ है और ये गौतम बुद्ध है, तो मैं सोच रही थी डेकोरेशन में इसको भी यूज कर लूंगी। और अभी तो मैं एनिमल्स को यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा ग्रीन कार्पेट टाइप का डाली हूँ, तो मैंने सोचा एनिमल्स को यहीं पे लगा दूँ। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद इसमें कुछ लाइटिंग टाइप का कुछ कर दें या फ्लावर कुछ डाल दें, तो देखते हैं। अभी तो मेरे घर में फ्लावर है नहीं, तो अब देखते हैं कहीं अगर व्यवस्था हो जाए मोहल्ले से या कुछ है। मेरे घर में है पर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का फ्लावर नहीं है, तो देखते हैं। फ्रेंड्स मुझे फूल नहीं मिल पाया कोई भी ढंग का, तो मेरे यहाँ ये वाला फूल है, तो मैं सोची इसकी जो जैसे फूल होते हैं इसकी डंडियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कट करें और फिर इसमें पानी के अंदर डालें, तो मैं इसको भी कैंची से कट करती हूँ। तो अब हम इसको इस पानी में, और फ्रेंड्स देख सकते हैं कि उसी फूल से कितना अच्छा डेकोरेट हो गया है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बस उसी फ्लावर को मैंने उसकी डंडी को काट करके और डाल दिया, और देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। फाइनली अब आ जाती हूँ लड्डू गोपाल के ऊपर,
और लड्डू गोपाल जी जो है मेरे वो बहुत दिखी सादे सादे से दिख रहे हैं। इनको मतलब थोड़ा सा डेकोरेट करने जा रही हूँ, सोच रही हूँ पेंट कलर से इनको झुलझुली थोड़ी सी बना दूँ क्योंकि अच्छा लगे देखने में, सुंदर लगे। येलो वाला कलर दो, कलर ला येलो, ऐसे रखो। वो देखो फूल वाला, मैं 3 साल से बचा। और ये देखिए ये पूरा बहुत मैंने पेंट कलर से झूठी पहना दी है और बस इसको मेरे हस्बैंड की घोर कलाकारी चालू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कलाकारी में क्या कर रहा है। अभी कैद किए जाएंगे कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान को देवकी को कैद ही तेरे की कलाकार कारागार बना रहा है। एकदम सही कह रही है, यहाँ देखिए मीत बैठी हुई है, देख सकते फ्रेंड्स फाइनल लुक कैसा आ रहा है।